हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम बात करेंगे आज एक नए टॉपिक की, जैसे कि राजस्थान हाई कोर्ट की एक वैकेंसी आ रखी है, उसी से रिलेटेड में एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे आर्टिकल के। तो मैं पहले आर्टिकल का टॉपिक डालता हूँ आज, आप इसको ध्यान से देखिएगा। आर्टिकल हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं और हमारे सर ने हमें यही बताया है कि ए ई आई ओ यू इनसे शुरू होने वाले जो स्पेलिंग है उससे पहले यदि आपसे आर्टिकल पूछा गया है तो आप क्या करोगे? एन। करेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं करना। यदि ऐसा आप करते हो तो दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो आप, नहीं सीख पाओगे, गलत है ये। इसमें आपको ब्यूटीफुल रॉन्ग एंड जीरो मिलेगा, ब्यूटीफुल जीरो आएगा ऐसा करने पे। आपको पता है आप यूएसए, जापान, ये मैंने दोनों दो वर्ड लिखे, यूनिट, इसमें आपने यूएसए में आप यदि आपने यूके अंडरटेकिंग एंड बनाया तो गलत है, इसमें दा आएगा। जापान यदि इसमें आपने दा बनाया तो गलत है, इसमें ए आएगा। यदि इसमें यू आया आपने एंड बनाया तो भी गलत है, इसमें भी ए आएगा। वो कैसे आएगा उसको सीखने के लिए पूरे वीडियो को देखना पड़ेगा आपको, तो मैं बताता हूँ आपको पूरी डिटेल में। चलो मैंने एक यहाँ पे चित्र बनाया, ये ढंग से नहीं बने तो सॉरी उसके लिए, बाकी चित्र के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। चित्र किसका है सब पता चल रहा है, एक मानवीय शरीर का मैंने एक भाग लिया है, अपना मस्तिष्क गले से लेके सिर तक का, ये आंख और ये अपना गला, क्या है गला, ये है अपना गला। जो आवाज यहां से निकलती है उसे कहते हैं वोकल साउंड, क्या कहते हैं वोकल साउंड। जो आवाज यहां से निकलेगी उन सभी मीनिंग से पहले यदि आर्टिकल पूछा गया है तो उसमें आप एन भरोगे कैसे। और एक होता है हमारे दांत प्लस हमारे लीक्स प्लस हमारे टाइम जीव प्लस हमारी बॉडी, इससे जो शब्द हम बोलते हैं इसकी हेल्प की वजह से जो शब्द हम बोलते हैं उसे कहते हैं कॉन्सोनेंटल, कॉन्सोनेंटल साउंड। अब किस प्रकार से ये साउंड्स हम यूज करते हैं, किस प्रकार हमारे जुबान से ये साउंड्स निकलते हैं, हम मैं आपको परिभाषित करूंगा एक एक करके, आप देखते रहिए वीडियो को लगातार। जैसे एक वर्ड ले लेते हैं ओ, एक वर्ड हमने लिया ओ, इस वर्ड में ये ध्यान देना आपको हमें यह लिखा हुआ ए आई ओ यू, पांच वर्ड ए आई ओ यू, इस वर्ड में मैंने एक स्पेलिंग यहां पे लिख दी ऑरेंज, क्या लिख दी ऑरेंज, और यहां पे लिख दिया वन आईड मैन, क्या लिख दिया वन आईड मैन। इन दोनों में प्रयोग क्या क्या होगा वो हमें देख रहे हैं। ओ हमारे मास्टर जी ने हमें यही सिखाया है कि ओ चाहे ई चाहे आई चाहे यू चाहे ए जब भी आ जावे तो आर्टिकल यदि पूछा गया है तो आपको इसमें एन भरना है। करेक्ट था जब तक हम पांचवी में थे, लेकिन अब इनकरेक्ट है वो, इसलिए इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक से देखना पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं करना। यहां इसका ध्यान दो, वोकल मुंह ओपन करो, आ ऑरेंज ऑरेंज ओ, यहां से आवाज आ रही है फर्स्ट आवाज, जो फर्स्ट वर्ड की जो ध्वनि आ रही है ना यहां से आ रही है वो ऑरेंज ऑरेंज, मैंने कहा था ना इसको, ये वोकल, दैट मीन्स वोकल हमारा जो गला है थ्रॉट थ्रॉट वोकल ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, यहां से तो इसमें एन आएगा, क्या आएगा एन आएगा, तो एन ऑरेंज एन, ये वन आई पर्सन एक आंख वाला व्यक्ति, वन आई डिपेंड,
वाइन वाइन, जिसमें आपके टीथ लिप्स टंग जीभ, आपकी जो जीभ है होंठ है दांत है बॉडी इंफेसाइज हो रही है, प्रेशर लग रहा है आपके शरीर का दूसरी जगह से यहां से भी लग रहा है, तो उन शब्दों में आप क्या करोगे एक का प्रयोग करोगे। तो इसमें क्या आया वन वन, हालांकि ओ आया हुआ वर्ड इज ओ बट यू डोंट यूज एन, आपको यूज नहीं करना है यहाँ पे एन आर्टिकल का प्रयोग आपको नहीं करना है, यहाँ पे क्या करोगे आप ए का यूज करोगे, इसमें ए आया ए वन आइड मैन ए वन वन आपके घुटनों से हो रहा है, आप पहले मुंह को ओपन करो आ अब बोलो वन कैसे बोलते हो देखा नहीं बोल पाओगे आप। अच्छा सुनो एक वर्ड लिखा मैंने पेन, एक वर्ड लिखा मैंने बॉल, एक वर्ड लिखा मैंने बॉय, इन सभी तीनों शब्दों को आप मुंह ओपन करके बोल के देखो मुझे आ पेन 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 बोलने के लिए आपके दोनों होठों को भिड़ना पड़ेगा टच होना पड़ेगा, तो कहने का मतलब इसमें आप एक का प्रयोग ये सब एक के बॉय बॉय नहीं बोल सकते आप, बॉय बोलने के लिए आपको यहाँ की आवश्यकता नहीं आपको अपने होठों की आवश्यकता पड़ेगी, दैट मीन्स इनकरेक्ट, इसमें आप क्या लिखोगे ए बोलोगे। ठीक उसी प्रकार एक दूसरा वर्ड ले लेते हैं, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ यहाँ से, यू ले लो, यहां पे मैंने लिखा है यहां पे लिखता हूं यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी, और उधर मैं लेता हूं बॉम्बे, दोनों को पढ़ो ज्यादा लंबा नहीं लूंगा मैं कुछ शब्दों में, आपको पूरा वीडियो देखने से आपको एंदा का प्रयोग जो आर्टिकल है तीन चार नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे एकदम करेक्ट हो जाएंगे, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। That is you, you. लिखा umbrella. क्या लिखा umbrella. Umbrella में आपका जो पहला वर्ड है वो यहां से निकल रहा है umbrella. तो इसमें आएगा ऑटोमेटिक एन, वो यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी उसको वापस कॉल करता है यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी यू यू आपके होंठ और दांत साथ दे रहे हैं इसमें यहां से नहीं आ रही, भले ही पहला वर्ड यू है लेकिन यहां पे आप एन यूज नहीं कर सकते, आप यहां पे ए यूज करोगे तो काली जगह पे क्या आएगा ए आएगा। ठीक है फिर एक वर्ड ले लेते ई ले लो, ई ई में देखो दोनों वर्ड में ई के लेता हूं लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम होगी, कैसे लिखा मैंने एलिफेंट, क्या लिखा एलिफेंट, और यहां पर मैं लिख रहा हूं यू इस स्टार्ट वाले से लिखता हूं यूरोपियन, क्या लिया यूरोपियन, पहला अक्षर डी दूसरा अक्षर यू, दो दोनों ही सोल दोनों के दोनों ही क्या है ओल्स है, ये क्या कहना चाह रहा है एलिफेंट पढ़ो आ ए एलिफेंट एलिफेंट यहां से आवाज आ रही है, तो इसमें ऑटोमेटिकली क्या आएगा एन एन एलिफेंट एन एलिफेंट यस एंड नेक्स्ट यूरोपियन यूरोपियन पहला वर्ड ई है ना साइलेंट है वो यूरोपियन एन नहीं आएगा इसमें क्या आएगा एन। ठीक है फिर बात करते हैं, हालांकि इतने वर्ड से आप समझ तो गए होंगे कोई प्रॉब्लम जैसी बात है नहीं, लेकिन कई बार क्या है इंग्लिश में प्रॉब्लम्स खड़ी करने वाले शब्द भी होते हैं, एक में वो बता देता हूं आपको एच का लेना लिखा हुआ है एच ओ यू आर और एच ओ यू एस ई हाउस, इसमें लिखा हुआ और क्या लिखा हॉर एच नहीं बोला जा रहा हॉर एच साइलेंट है हॉर, तो इसमें आप क्या करोगे एन का प्रयोग करोगे हाउस हाउस लिखा है तो इसमें एक का प्रयोग, और कुछ समस्या खड़ी कर देने वाले शब्द होते हैं एक बात का हमेशा ध्यान रखें, कभी भी पूरी इंग्लिश में कभी भी जो वर्ड डब्ल्यू और वाई से प्रारंभ हो रहा है उसमें आप एक का प्रयोग करोगे, किसका करोगे
एक का, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जिनका तोड़ नहीं मिलता, तो ए आपको ए यूज करना है, मैक्सिमम मैक्सिमम एक का यूज करना है, और आई और ऐसे शुरू होने वाले में आपको एन का यूज करना है। स्पेलिंग कई बार होता है ना भाई, सर ये तो थ्रोट से हो ही नहीं रहा, आप फिर मेरे को कमेंट में लिखोगे सर मैं एक स्पेलिंग बताऊंगा आपको, बता भाई कि सर एक स्पेलिंग है इंक पोर्ट, इंक पोर्ट, इसमें एन कैसे आया, मैंने किताब में देखा इसमें एन कैसे आया, इसमें तो आवाज यहां से आई नहीं रही है, इंक पोर्ट, इंक पोर्ट, यहां ऊपर से बोल रहा हूं मैं तो, इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया है आई और ए, आई और ए से शुरू होने वाले वाक्य में आप पहले से ही एन का प्रयोग करोगे। कई बार आपने सुना है इंग्लिश, इंग्लिश में अपवाद भी होते हैं, बस वही वाली बात मान लो, ये आपके आर्टिकल के ए और एन का क्लियर। अब एक धाका है तो धाका में तुरंत बता देता हूं आपको, इसी के साथ में अब बात करते हैं लास्ट और आखिरी पॉइंट है दी, द विश्व प्रसिद्ध विख्यात कुख्यात की बात नहीं करूं, जो संसार में एक है और फेमस है, ऐसी चीजों के, ऐसी स्थानों के, ऐसे जो हमारे पर्यटक स्थल है, महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंस, उनके पहले धाका प्रयोग किया जाता है, ऐसा हमने पढ़ा था। मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा, ऐसा हमने पढ़ा था पांचवी छठवीं में, लेकिन थोड़ा चेंज है इस बार, करना क्या दो टॉपिक डालो नो और यस, किधर प्रयोग होंगे और किधर नहीं होंगे। आप किसी भी कंट्री, किसी भी देश के नाम के पहले दा का प्रयोग नहीं करोगे, द जापान, द इंडिया, द लंदन, द पेरिस, नहीं, हालांकि लंदन जो है देश नहीं है, लेकिन फिर भी किसी भी स्थान के पहले भी आप क्या नहीं करोगे, दा का प्रयोग नहीं करोगे। सिटीज, वो लंदन सिटी में आ गया, सिटी के पहले भी किसी के दा का प्रयोग नहीं करोगे, ना किसी लैंग्वेज के पहले, ना किसी लैंग्वेज के पहले, किसी भी भाषा से पहले आप दा का प्रयोग नहीं करोगे, और ना किसी गली, कोई गली का नाम है तो वो कोई विशेष थोड़ी ना है, इसलिए आप उससे पहले भी कभी दा का प्रयोग नहीं करोगे, और किसी नाम के पहले भी आप दा का प्रयोग नहीं करोगे। सीधी सीधी बात है, इतना ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, नॉर्मलिटी है। फिर आ जाओ यस, इसके साथ प्रयोग करना है रिवर्स, जैसे द गंगा, द यमुना, एटीसी, होली बुक्स, कहने मतलब धार्मिक ग्रंथ जो है, द गीता, द बाइबल, एक लिख देता हूं द गीता, द गीता, द बाइबल, द कुरान, है ना, ठीक उसी प्रकार न्यूज़पेपर, किसी भी न्यूज़पेपर से पहले, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द न्यूयॉर्क सिटी, द टाइम्स ऑफ न्यूयॉर्क, द राजस्थान पत्रिका, एंड किसी क्लास को दर्शाने के लिए, क्लास का मतलब कक्षा नहीं है, क्लास का मतलब है वर्ग, किसी जाति की बात कर रहा हूं, जैसे कि पूरे सभी कुत्तों को दर्शाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, द डॉग्स, द डॉग्स, पूरी कुत्तों की जाति को दर्शा दिया, द कैमल्स, द हॉर्सेस, द हॉर्सेस, एक वर्ग को समझाने के लिए द हॉर्सेस। और हम शुरू में पढ़ते आ रहे हैं कि द मून, द सन, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि प्रकृति निर्मित और जो संसार में एक हो, विश्व प्रसिद्ध हो, उससे पहले हमें दा का प्रयोग करना होता है। तो ये संसार में एक है, द मून, द सन, द अर्थ,
ताजमहल जगह प्रयोग इंपोर्टेंट चीजों के लिए, इंपोर्टेंट चीजों से पहले किया जाता है जगह प्रयोग। तो किस किस को समझ में आया वीडियो मुझे जरूर बताना। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले मैंने एक आपको बात पूछी थी कि यूएसए में द आ रहा है, और मैंने यहां आपके दिमाग में ये डाल दिया कि कंट्रीज के नाम के पहले द नहीं आएगा। तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा यूएसए कोई कंट्री थोड़ी ना है। यूएसए और यूएई ये तो एक ग्रुप है, देशों का समूह है, इसलिए ये एक इंपोर्टेंट हो गई चीज अपने आप, इसलिए पहले द का प्रयोग हो रहा है। इन दोनों का भी ध्यान रखना, कई बार इस सवाल पूछे जाते हैं। जो मैंने एक वहां पर लिखा था ना वन आई डी मैन, वो आरएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखें, लाइक और शेयर, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में आपके सामने। थैंक्स, बाय।